इस मूवी के आगाज में हमें एक हस्बैंड वाइफ अमांडा और क्ले दिखाए जाते हैं। अमांडा काफी गुस्से वाली थी जबकि क्ले बहुत हल्के मिजाज का था। इनके दो बच्चे होते हैं, बेटी का नाम रोज और बेटे का नाम आर्ची था। अब आज अमांडा का मूड बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो क्ले से कहती है कि मैंने एक आइलैंड पर छुट्टियों पर जाने के लिए एक घर बुक कर लिया है और हमें वहाँ जाने की तैयारी करनी चाहिए। और क्ले बिना कुछ कहे मान जाता है और फिर ये दोनों जल्दी से अपना सामान पैक करके अपने बच्चों के साथ उस आइलैंड पर जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ घंटों के सफर के बाद वो उस आइलैंड वाले घर में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ इनके बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और क्ले घर का सामान सेट करता है जबकि अमांडा खुद ग्रोसरी लेने जाती है। अब अमांडा सामान खरीदने के बाद बाहर एक आदमी को देखती है जो कि अपनी गाड़ी में बहुत सारा खाने पीने का सामान भर रहा था। ये एक फैमिली के हिसाब से बहुत ज्यादा सामान था। अब ये देखकर अमांडा को बहुत अजीब लगता है और फिर वो अपने घर चली जाती है, जिसके बाद ये सारी फैमिली बीच पर एंजॉय करने जाती है कि तभी ये देखते हैं कि एक ऑयल शिप इनकी तरफ आ रही है। ये देखकर क्ले सबको वहाँ से भागने का कहता है तो वहाँ मौजूद सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये हादसा बहुत अजीब होता है। इसके बाद सिक्योरिटी से इन्हें पता चलता है कि सिस्टम की खराबी की वजह से इस बीच पर बहुत सारे शिप्स आ गए हैं। फिर ये सब अपने घर चले जाते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि इंटरनेट नहीं चल रहा और तो और टीवी पर भी कोई चैनल नहीं आ रहा। अब इंटरनेट ना होने की वजह से इन्हें घर का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। फिर रात को बच्चे सो जाते हैं और अमांडा और क्ले नीचे होते हैं कि तभी इनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब ये दोनों दरवाजा खोलते हैं तो बाहर एक आदमी स्कॉट अपनी बेटी रूथ के साथ आया होता है। वो कहता है कि मैडम ये मेरा ही घर है, आपकी मुझसे ही ऑनलाइन बात हुई थी। हम शहर में रहते हैं लेकिन शहर में अचानक लाइट चली गई है, इसलिए मुझे अपनी बेटी के साथ यहाँ आना पड़ा। मैं जानता हूँ आपने छुट्टियाँ मनाने के लिए इस जगह के पैसे दिए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ से जाने का नहीं कह रहा, बस हम भी यहाँ रहना चाहते हैं। आपको तंग नहीं करेंगे, बेसमेंट में ही रहेंगे, यहाँ तक कि मैं आपके पैसे भी वापस कर दूंगा। और अब वो उनके $1,000 वापस कर देता है। अब क्ले को तो स्कॉट पर यकीन हो जाता है मगर अमांडा को अभी भी उस पर शक होता है, इसलिए वो क्ले से अकेले में बात करती है कि मुझे उन पर शक है, वो हमारे घर में गलत नीयत से आए हैं। मगर क्ले कहता है कि वो मुसीबत में है और मुझे नहीं लगता कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा भला एक काम करते हैं, मैं उनसे दोबारा बात करता हूँ, फिर मुझे अगर कुछ गड़बड़ लगी तो मैं उन्हें यहाँ से जाने का कह दूंगा। और फिर ये दोनों स्कॉट से दोबारा बात करते हैं और स्कॉट इनसे बहुत अच्छे से बात करता है, जिस वजह से अमांडा मान जाती है। अब रूथ टीवी चलाती है जहाँ हर चैनल पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आ रहा था, जिस वजह से अमांडा को स्कॉट की बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि स्कॉट के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। दरअसल स्कॉट एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसे अंदाजा है कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर अगली सुबह रोज अमांडा को उठाकर कहती है कि मॉम मुझे अगला एपिसोड देखना है और इंटरनेट अभी तक नहीं आ रहा, आप प्लीज कुछ करें। और अब अमांडा अपना फोन चेक करती है तो उसमें बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आई होती है। अब जैसे ही अमांडा अपना फोन क्लाय को दिखाती है तो वो सारी न्यूज उसके फोन से गायब हो जाती है और क्लाय कहता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। फिर अमांडा बाहर जाकर स्कॉट को ये सारी बातें बताती है कि मेरे फोन में बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आई थी। ये सुनकर स्कॉट बहुत हैरान हो जाता है और अमांडा पूछती है कि क्या बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं? तो स्कॉट कहता है कि नहीं, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ साल पहले भी इसी तरह हुआ था जब दो लड़कों ने वायरस बनाया था, मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर रोज जब बाहर जाती है तो तभी वहाँ एक हिरन आ जाता है। वो अभी उसे हैरत से देख ही रही होती है कि तभी वहाँ बहुत सारे हिरन आ जाते हैं। फिर मदद के लिए स्कॉट अपने पड़ोसियों के पास जाता है लेकिन वहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था और घर पर कोई भी नहीं था। उधर क्ले जब बाहर होता है तो उसका GPS काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से वो रास्ता भटक जाता है। और तभी उसके पास एक औरत आती है जो घबराते हुए कहती है कि पिछले दो दिनों से मैं अपना घर ढूंढ रही हूँ लेकिन GPS के काम ना करने की वजह से मुझे अपना घर नहीं मिल रहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब क्ले
इस औरत की मदद तो करना चाहता है, मगर इसका बिहेवियर इतना अजीब होता है कि क्ले डर जाता है और उसकी मदद किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी तरफ एक प्लेन आता है जो कि ऊपर से बहुत सारे कार्ड्स गिरा रहा था। क्ले जब उस कार्ड को देखता है तो उसमें फारसी जबान में कुछ लिखा हुआ था। उधर स्कॉट को पता था कि उसके पड़ोसी के पास सैटेलाइट फोन है, इसलिए वो उनके घर में जाकर सैटेलाइट फोन ले लेता है। उधर रोज और आर्ची जंगल में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक केबिन मिलता है जिसके अंदर ये दोनों चले जाते हैं, मगर वहां कोई नहीं होता। और तभी रोज आर्ची को बताती है कि मेरे पास बहुत सारे हिरन आ गए थे, पर आर्ची उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता बल्कि वो उसे और ज्यादा डराता है, जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। उधर स्कॉट सैटेलाइट फोन चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिका की जो सैटेलाइट थी उसने अपना रुख बदल दिया था, इसलिए स्कॉट समंदर की तरफ आता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी लाशें बिखरी पड़ी हैं और एक प्लेन क्रैश होकर तबाह हो गया है। अब यहाँ का नजारा बहुत भयानक होता है कि तभी वो ऊपर देखता है कि एक प्लेन उसी की तरफ आ रहा है। स्कॉट समझ जाता है कि ये प्लेन भी यही क्रैश होने वाला है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। लेकिन पानी में प्लेन क्रैश होने की वजह से पानी की लहरें घर के अंदर तक आ जाती हैं, जिस वजह से स्कॉट गीला हो जाता है। फिर स्कॉट घर चला जाता है और वो रूथ को बताता है कि मैं पूल में गिर गया था। दरअसल वो अपनी बेटी रूथ को डराना नहीं चाहता, इसलिए वो रूथ को दूसरे कपड़े लाने के लिए भेज देता है। अब स्कॉट अमांडा को सारी बात बताते हुए कहता है कि सैटेलाइट फोन ने काम करना छोड़ दिया है। अब अमांडा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए स्कॉट उसे प्लेन क्रैश होने वाले हादसे के बारे में बताता है। उधर रोज और आर्ची अभी भी जंगल में थे कि तभी उसी वक्त एक बहुत जोर से आवाज आती है, जिसकी वजह से इन्हें अपने कान बंद करने पड़ते हैं। अब इस आवाज की वजह से अमांडा को बच्चों की टेंशन होती है, इसलिए वो उन्हें ढूंढते हुए जंगल में जाती है, जहां उसे अपने बच्चे मिल जाते हैं और वो उन्हें घर आती है। अब ये सब तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन क्ले अभी भी घर नहीं आया था, जिस वजह से अमांडा बहुत परेशान होती है। और आर्ची कहता है कि जब से मैंने उस आवाज को सुना है तब से मेरे कान में कुछ हो रहा है। दरअसल आर्ची ने अपने कान सही से बंद नहीं किए थे, जिसके बाद अमांडा स्कॉट से पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है और वो आवाज कैसी थी। तो स्कॉट कहता है कि ना वो किसी प्लेन की आवाज थी और ना किसी बम की, मुझे लगता है कि ये कोई आवाज की लहर वाला हथियार था। अब ये सुनकर अमांडा को क्ले की और फिकर होने लगती है। फिर अमांडा बताती है कि मैंने 2 दिन पहले एक आदमी को देखा था जो कि बहुत सारा खाने पीने का सामान अपनी गाड़ी में रख रहा था। मुझे लगता है कि उसे पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। अब ये सुनकर स्कॉट कहता है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, उसे इन हालातों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, इसलिए वो पहले ही खाने पीने का सामान खरीद लेता है। कि तभी क्ले घर वापस आ जाता है। क्ले के पास वो रेड कलर का कार्ड होता है। क्ले उन्हें रेड कार्ड दिखाते हुए कहता है कि ये एक प्लेन में से नीचे गिर रहे थे। अब आर्ची ने यहाँ लिखे हुए एक वर्ड को पहचान लिया था, क्योंकि ये वर्ड उसने एक गेम में देखा था, जिसका मतलब था अमेरिका की मौत। अब ये सुनकर अमांडा और क्ले डर जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो वापस अपने घर यानी शहर चले जाएंगे और वो अपना सामान गाड़ी में रखते हैं। हालांकि स्कॉट ने बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों को शहर नहीं जाना चाहिए, वहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ ही दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। असल में ये सब गाड़ियाँ अचानक से बेकाबू हो गई थी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से टकरा गई और अब आगे जाने का रास्ता गाड़ियों की वजह से ब्लॉक है। और ये सब भी सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ है। कि उसी वक्त अमांडा देखती है कि पीछे से एक व्हाइट कलर की कार इनकी तरफ आ रही है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी वहाँ से हटाती है और ऐसे इनकी जान बाल बाल बचती है। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये स्कॉट के घर वापस जाते हैं। अब रात को अमांडा और स्कॉट बैठकर बातें करते हैं। स्कॉट बताता है कि मेरा एक दोस्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, जिस वजह से वो बहुत अमीर है और उसे भी इन हालात का अंदाजा पहले ही हो जाता था, इसलिए इन हालात का सामना करने के लिए उसने बहुत सारे आलीशान घर बनाए थे जिनके अंदर बहुत सारी सहूलतें हैं। उधर क्ले और रूथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक वो देखते हैं कि
पूल में बहुत सारे फ्लेमिंगोस आ गए हैं और उसी वक्त वो अजीब आवाज फिर से इन्हें सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि इसकी वजह से घर की कुछ चीजें टूट जाती हैं। फिर कुछ देर बाद ये आवाज बंद हुई, जिस वजह से ये सब डर जाते हैं और रात को अमांडा की फैमिली एक ही बेड पर सो जाती है। फिर अगली सुबह आर्ची जब उठता है तो वो देखता है कि उसके दांत अपने आप टूट रहे हैं। अब ये देखकर अमांडा और क्ले घबरा जाते हैं और स्कॉट कहता है कि जिस आदमी को तुमने सामान खरीदते हुए देखा था वो मेरा दोस्त है, मुझे यकीन है उसके पास दवाइयाँ भी होंगी और वो यहीं पास में रहता है। जिसके बाद क्ले और आर्ची स्कॉट के साथ उसके दोस्त के घर जाते हैं, लेकिन वो आदमी इन्हें अपने घर से दूर रहने का कहता है। उसके पास गन होती है और क्ले उससे कहता है मेरे बेटे की तबीयत खराब है, वो गाड़ी में है और उसके दांत झड़ रहे हैं। ये सुन के स्कॉट का दोस्त कहता है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, जो तेज आवाज सुनाई देती है उससे दिमाग पर असर पड़ता है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है और इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुन के स्कॉट बहुत हैरत से कहता है कि हम दोस्त हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि अब मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ और वक्त हालात सब बदल चुके हैं, हमारे ऊपर हमला हुआ है। जिस तरह से तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो वैसे ही मैं भी अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ। अब इस बात पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। पर क्ले इन दोनों के बीच में आ जाता है और स्कॉट के दोस्त को कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और इसके बदले मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। और स्कॉट का दोस्त कहता है जब इस दुनिया में गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी तो पैसा और करेंसी किस काम के। और अब वो आर्ची के लिए दवाई दे देता है। फिर वो कहता है कि शायद ये ईरान का काम है या फिर चाइना या तो रशिया या फिर कोरिया, या तो हो सकता है किसी और कंट्री ने ये किया हो क्योंकि अमेरिका ने इतने सालों में बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मुल्कों ने मिलकर हमारे मुल्क पर हमला किया हो। भाई कुछ भी हो सकता है। अब दवाई लेने के बाद स्कॉट और क्ले गाड़ी में बैठ जाते हैं और स्कॉट कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है क्योंकि जब भी किसी मुल्क का खात्मा करना हो तो तीन बड़ी चालें चली जाती हैं, जिसमें सबसे पहले उनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद उन पर ऐसे हमले होते हैं जिसका किसी को कुछ पता नहीं होता। जिस तरह हम लोग आवाज सुनते हैं ये एक खुफिया हमला है जिस वजह से लोग डर जाते हैं और एक दूसरे पर शक करते हैं और पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और जब दुश्मन की दो चालें कामयाब हो जाती हैं तो तीसरी चाल अपने आप ही कामयाब हो जाती है और वो तीसरी चाल है दुनिया की जंग। जब कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और दुनिया एक दूसरे से जंग करना शुरू कर देगी। उधर रोज बहुत देर से मिल नहीं रही थी, इसलिए अमांडा और रूथ उसे ढूंढने जंगल में जाती हैं। वो जब जंगल वाली केबिन में जाके देखती हैं, तो इन्हें बाहर से आवाजें आती हैं। और अब रूथ जब बाहर जाकर देखती है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे हिरन जमा हो जाते हैं और अमांडा बाहर आकर जोर से चिल्लाती है जिस वजह से सारे हिरन वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों शहर की तरफ देखती हैं जहाँ धमाके हो रहे थे, वहाँ पूरी तरह से जंग का माहौल बन गया था और लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इसका मतलब ये था कि ये दोनों इस जंगल में महफूज हैं और शहर में कानून ना होने की वजह से लोगों ने एक दूसरे को मारना और लूटना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम रोज को देखते हैं जो उसी घर में थी जिसका जिक्र स्कॉट ने किया था। ये जगह इतनी महफूज थी कि ये एक हिफाजती बंकर की तरह काम कर रही थी। यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी, जैसा कि यहाँ पर खाने पीने का सामान था, पावर थी और इंटरनेट भी यहाँ पर चल रहा था। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी डीवीडीज भी थी। अब क्योंकि रोज की पसंदीदा सीजन की आखिरी एपिसोड रह गई थी इसलिए वो वहाँ बैठकर लास्ट एपिसोड देखती है। अब आखिर में पता चलता है कि बहुत सारे मुल्कों ने मिलकर अमेरिका पर हमला कर दिया है क्योंकि वो अमेरिका को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और अब रोज को बहुत महफूज जगह मिल गई थी जहाँ वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आराम से रह सकती है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।